तो मैंने यहाँ पे ना दूध का खोआ निकाला, दूध को भुना 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 बहुत भुना, और मैंने ना उसी कढ़ाई में अपना पिसी हुई चीनी ना स्वाद अनुसार डाल दिए। बर्तन तो हमें ज्यादा खराब नहीं करने, खुद ही को धोने पड़ते हैं। तो अब मैंने इस चीनी को ना इस मावा में अच्छे से हाथों से मिक्स कर दिया है। हाथ से ना जो काम होता है वो किसी ना चम्मच चमचे से नहीं होता है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी और डाल दी थी बची हुई थी, क्या करती उसे रख के। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, तो इसके छोटे छोटे ना इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूंगी। अभी मैं रफली डिवाइड कर रही हूँ, अभी मैं इनको शेप नहीं दूंगी, क्योंकि फिर बार बार ना हाथ गंदे होते तो शेप अच्छे से आती नहीं है। अब यहाँ पे मैंने सारे टुकड़ों को सारे मावा को बराबर बांट लिया था। अब हाथ में अच्छा सा घी लगा के और इनको एक प्यारी सी शेप दे देनी है। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है, पता नहीं मैं कैसे बना पक पाऊंगी पूरा एंड तक। चलो देखते हैं। तो ना यहाँ पे अच्छे से सारे शेप अच्छे से बना के, वैसे तो खाना ही है, शेप कैसी भी है। और इस रेसिपी का ना एक ना इंस्टेंट वर्जन है, वो भी मैं जल्दी ही बताऊंगी, उसका भी टेस्ट ना लाजवाब होता है। कढ़ाई ना इसको आप खुश खुश के ना आनंद ले सकते हैं टेस्ट करने के लिए। तो बन गए हैं मावा मोदक, झटपट से